हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विकास सिंह, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि जो मैं ये चीज आपको सिखाता हूँ ऑन कॉल, ऑन वीडियो, ऑन व्हाट्सएप, वो आपको समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आती है तो मेरे को बोलो कि भाई आप अपना लैंग्वेज और सिंपल करो, या लैंग्वेज और हार्ड करो, या जो भी है, जो भी इशू आपको लगता है आप मेरे को जरूर बताओ। अभी जो रिसेंटली मैं वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, मैं एनएबीएल के ऊपर डाल रहा हूँ। तो मैंने एनएबीएल के 3 पार्ट में वीडियो डाल दिए हैं, एनएबीएल पार्ट 1, एनएबीएल पार्ट 2, एनएबीएल पार्ट 3। आज मैं जो आपको बताऊंगा, जो आपको समझाऊंगा, वो ज्यादा से ज्यादा हार्डली से हार्डली 5 मिनट की वीडियो होगी। और वो मैं आपको सिखाऊंगा रीटेस्टिंग और रेप्लीकेट टेस्टिंग क्या होता है, रीटेस्टिंग रेप्लीकेट टेस्टिंग क्या होता है, उसके बारे में आप ध्यान से केवल 2 मिनट आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये भी एक एनएबीएल का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, रीटेस्टिंग और रेप्लीकेट टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज आप गौर से देखो। और अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आप पुराने बंदे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा रीटेस्टिंग और रेप्लीकेट टेस्टिंग। टेस्टिंग से तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा कि एक टेस्टिंग होता है, एक रीटेस्टिंग होता है, एक रेप्लीकेट टेस्टिंग होता है। रेप्लीकेट टेस्टिंग, जैसे हमने टेस्टिंग कर दिया, हमने बता दिया भैया ये पेन है, इसकी हार्डनेस बराबर है, इसमें जो इंक है बराबर है, दैट मीन्स टेस्टिंग हो गई, इसकी क्वालिटी टेस्ट हो गई, दैट मीन्स ओके। अब कोई बंदा आया, वो बोला अरे भैया इस आपने टेस्टिंग किया, इसमें मेरे को डाउट है, मेरे को डाउट है, अब आप बताओ इसका क्या है, कैसे करोगे, मेरे को वेरीफाई कराओ, दैट मीन्स रीटेस्टिंग। अब रेप्लीकेट टेस्टिंग क्या है कि उसने कहा भाई इस बंदे ने चेक किया है, ये भी कह रहा है ओके है, ये भी कह रहा है ओके है, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। तो अब यहां पे क्या होगा रेप्लीकेट टेस्टिंग में, पार्ट वही रहेगा, मशीन वही रहेगा, बंदा आपका चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स रेप्लीकेट टेस्टिंग। समझ गया? मीन्स टेस्टिंग एक बंदे ने किया, रीटेस्टिंग उस बंदे ने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। थर्ड थिंग, रेप्लीकेट टेस्टिंग, रेप्लीकेट टेस्टिंग का मतलब ये है पार्ट वही रहेगा, मशीन वही रहेगी, बंदा आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेप्लीकेट टेस्टिंग, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनएबीएल। एवरी टेस्टिंग कंसीडर दिस टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रेप्लीकेट टेस्टिंग। तो आप रीटेस्टिंग और रेप्लीकेट टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो एक आप WI बनाएंगे या प्रोसीजर बनाएंगे, उसमें आप डिफाइन करेंगे कि आप मंथली करेंगे, वैसे मंथली ज्यादातर बेटर होता है कि आप मंथली जो है जो भी सैंपल है आप उसका रीटेस्टिंग करवा लो, रेप्लीकेट टेस्टिंग करवा लो, एक फॉर्मेट बनेगा रीटेस्टिंग रेप्लीकेट टेस्टिंग। रीटेस्टिंग में बंदे की हार्डनेस आई 30, रेप्लीकेट टेस्टिंग में आई 31, अब आप उसका जेड स्कोर कैलकुलेट कर दोगे, मीन्स दैट आपका पार्ट जो भी आपका जेड स्कोर है विद इन बियॉन्ड है, ओके है, आउट ऑफ बियॉन्ड है, तो आपको अपने अपनी मशीन पे काम करना है, अपने बंदों पे काम करना है, या हो सकता है कि उस समय बंदे ने जो चेक किया उस समय एरर कुछ और रहा होगा, इस समय एरर कुछ और है, तो उस समय का एरर आप कैलकुलेट करोगे। सपोज 29 अप्रैल 2024 को उसने चेक किया, एरर था 1.5 HRC, और आज चेक किया है तो माइनस में 1 HRC है, तो फर्क पड़ता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो रीटेस्टिंग टेस्टेड सैंपल को रीटेस्ट करना, दैट पार्ट ऑफ रीटेस्टिंग। सेम पार्ट, सेम पर्सन, सेम मशीन, दैट इज रीटेस्टिंग। रेप्लीकेट टेस्टिंग, सेम पार्ट, सेम मशीन, अदर पर्सन, अदर पर्सन, दैट मीन रेप्लीकेट टेस्टिंग। मीन्स इसके और इसके टेस्टिंग में क्या एरर आया, कितना एरर आया, इसलिए रेप्लीकेट टेस्टिंग होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। टेस्टिंग जो बंदा किया है वो रिटेस्टिंग कर देगा, नो इश्यू, लेकिन जो रेप्लीकेट टेस्टिंग होती है उसी को, उसमें बंदा आपका चेंज हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आप कोई कॉपी लेते हैं, कोई बिल लेते हैं, एक कॉपी आती है प्रिंट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, आपने देखा है ट्रिप्लीकेट कॉपी,
तो उसमें क्या होता है, एक कॉपी यहाँ सिक्योरिटी के पास, एक कॉपी कंज्यूमर के पास, एक कॉपी अकाउंट में, ऐसा होता है। सेम चीज इसमें फॉलो होता है कि आपका रीटेस्टिंग में क्या एरर है, रेप्लिकेट टेस्टिंग में कोई एरर आया है क्या, ऐसी तीन कॉपियां जो निकाली जाती है उसमें भी एक तरीका एरर ही चेक किया जाता है। बाकी देने के लिए आप किसी को भी दो, होता है एरर ही चेक करने के लिए, ऐसा तो भाई इसमें ये आ गया हो और कहीं गलती से उसमें कोई और फॉल्ट हो गया हो, ये चीज है। तो रेप्लिकेट टेस्टिंग रीटेस्टिंग आपका एक ऐसे ही, इसमें ये चीजें आपको क्लियर हुई दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसमें एक चीज और बनता है आपका कि ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा, वो फॉर्मेट आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आपके MR से QMS से अप्रूव होना चाहिए। रीटेस्टिंग में वैल्यू आई 30 HRC, रेप्लिकेट में आई 31 HRC, 30.5 HRC, यहाँ पे आए 30.2 HRC। अब आप क्या करेंगे, इनका जेड स्कोर पे एक अलग से डाल दूंगा मैं वीडियो, जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अगर जेड स्कोर आपका प्लस माइनस बियॉन्ड आ रहा है, जैसे प्लस माइनस 0.01 है आपका, ओके है, एक्सेप्टेबल है, जो ने आपने जो भी अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया होगा, एक वीडियो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे भी डाल दूंगा मैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आपने बनाया होगा उसमें आपका ये फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं फिट हो रहा है तो मीन्स दैट कहीं ना कहीं एरर है। तो दोस्तों ये है रीटेस्टिंग रेप्लिकेट टेस्टिंग। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हाँ, इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक सैंपल पे कम से कम 3 रीडिंग लीजिए, एक बंदे से 3 रीडिंग करवाइए, पहला रीडिंग क्या है, दूसरा रीडिंग क्या है, तीसरा रीडिंग क्या है, उसका एवरेज लीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट में जाइए, ठीक है दोस्तों। कोई भी टेस्टिंग होती है आप उसमें कम से कम 3 बार करवाइए, अगर आप हार्डनेस चेक करवा रहे हैं तो आप 3 इंडेंट लीजिए, उसका आप कंसिडर करिए, ये फैक्ट है, ये स्टैंडर्ड में भी लिखा है कि 3 का एवरेज लीजिए, कहीं कहीं लिखा है 5 का एवरेज लीजिए। जैसे हम D/2 और D/4 चेक करते हैं ना, जैसे ये डाया हो गया, हम इसका D/2 D/4 चेक करते हैं ना, फिर हम इसका एवरेज डिक्लेयर करते हैं, सपोज यहाँ 30 आया, यहाँ 29 आया, 30 आया, यहाँ 29 आया, 4 आ गया, 9 18 गया, 5 1 5 5 10 1 11 118 118 / 4 4 2 8 3 4 4 16 4 2 8 3 4 9 36 बचा कितना, 4 5 6 20 29.5 कैलकुलेट कर लेना आप लोग, मेरे हिसाब से 29.5 आया, ये इसका हार्डनेस आ गया 29.5। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि कम से कम 3 इंडेंट तो होना चाहिए, उसका एवरेज लेके आप डिक्लेयर करो रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, जेड स्कोर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, कम से कम वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्या कमी रह गया है वो जरूर बताएं। देखो जी, मैं अपने आप में, मैं नहीं कहता मेरे को 100% नॉलेज है, मैं जितनी नॉलेज है उतनी आपको देने की कोशिश करता हूं, क्या कमी है वो अगर आप बताओगे तो मैं इंप्रूव करता रहूंगा, नहीं आप वीडियो देख लो बोलो साला कुछ आता ही नहीं इसको, तो बस ऐसे ही डालता है, नहीं आप कमी तो बताओगे ना, तभी तो पता चलेगा ना मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा क्या, मेरे को और क्या इंप्रूव करना है, ये आप ही लोगों से तो सीखूंगा, आप ही लोग तो बताओगे ना, निगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट दोनों आप ही बताओगे ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।